ମାନୁନି ହିଜାବ ନିଆଁ ହିଜାବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି ନୁହେଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ହୋଇପାରିଲାନି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଜାବକୁ ନେଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଭିନ୍ନ ମତ ହିଜାବକୁ ଇରାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ବୟକଟ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବିବାଦ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିଚାର ବାହାରି ପାରିନି କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶୁଣାଣିରେ ଦୁଇ ବିଚାରପତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେମନ୍ତ ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ ରାୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ହିଜାବ ନିଷେଧାଦେଶ ବିରୋଧୀକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଧାଂଶୁ ଧୁଲିଆ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ହିଜାବକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବେଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି आज का जो जजमेंट था हिजाब का बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल करा है लेकिन ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर इस मैटर के अंदर और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने तीन चॉइसेस के ऊपर तीन पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन इम्फेसिस दिया है देयर इज अ डाइवर्जेंट व्यू बिटवीन द टू ऑनरेबल जजेस एंड देयरफॉर अंटिल द मैटर इज रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच और इट इज टेकन अप बाय अनदर बेंच दैट वुड हाई कोर्ट का फैसला अभी तक लागू रहेगा क्योंकि उसको सेटिसफाइड नहीं माना जाएगा क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है तो ये माइनॉरिटी भी हो गई तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता विगत किसी दिन धरी इस्लामिक देश ईरान रे हिजाब को नहीं चली आंदोलन हिजाब पिंधा को विरोध कर ईरानी महिला मैंने राज रास्ता को ओल्लता बेले एपटे भारत में ओलटा चित्र देखा मिली କିଛି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନେତା ନିଜ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଟବଣା କରାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ମେ ୟୁନିଫର୍ମ ହୋନା କଲେଜ ମେ ୟୁନିଫର୍ମ ହୋନା ଆଜ କା ନହି ହେ 1965 ସେ ହେ ଏକଦମ ହିଜାବ ମୁଦ୍ଦା ଆଗେ ଲେକର କେ ୟୁନିଫର୍ମ କେ ଖିଲାଫ କୁଛ ଅଲଗାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ନିରନ୍ତର କୋଶିଶ କିଏ अलगाववाद बढ़ाने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म के साथ है हम लोग यूनिफॉर्म के साथ रहेंगे पहले भी है आज भी है कि एक ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है ये खुद एक बड़ी अच्छी बात है और जो फाजिल जज साहब ने ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है उन्होंने जो अभी तक जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है जो मीडिया से जो हमने पढ़ा है खासतौर से लाइव लॉ हो या बार एंड बेंच हो जिसमें उस जज साहब ने कहा है कि द मेन थ्रस्ट ऑफ माय जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरपी वॉज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट और उन्होंने कहा है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने द हाईकोर्ट टूक अ रॉन्ग पाथ It is ultimately a matter of choice in Article 14 and 19. सूचना था कि कर्नाटक रा विभिन्न स्कूल और कॉलेज रे हिजाब बैन मामला रे आज सुप्रीम कोर्ट रे राय आसीबार थिला कर्नाटक रा शिक्षा अनुष्ठान रे हिजाब पिंधिबा को नै विवाद लागि रहिछि प्रथमे गोटी स्थान रो आरंभ होइतिबा विरोध प्रदर्शन परे कर्नाटक रा विभिन्न स्थान को व्यापी जाइथिला परे यहां जातीय प्रसंग पलटि जाइथिला ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़